दोस्तों मैं हूं साजिद हुसैन और खबर इस वक्त बहुत बड़ी आ रही है। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज 25 मई को पटना पहुंचे। असदुद्दीन ओवैसी आज काराकाट में प्रचार करेंगे, इसके बाद पटना में भी उनका चुनावी कार्यक्रम है। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। सवालों के जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश की जनता तय करेगी, लेकिन हम तो उम्मीदवार कर रहे हैं, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न बने। इस दौरान ओवैसी ने अमित शाह के एक बयान का भी जवाब दिया है। इस सवाल पर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से कहा कि बीजेपी को 400 सीटों से जिताए वो मुस्लिम आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो तो सबका ही आरक्षण बंद कर देंगे, संविधान ख़त्म कर देंगे, ये सब उनके इरादे हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीते शुक्रवार को आरा पहुंचे थे। यहां से आर के सिंह के पक्ष में प्रचार करने के लिए वो आए थे। इसी दौरान उन्होंने लोगों से ये कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी को 400 पार कर दो, ये मुस्लिम आरक्षण रद्द करके हम पिछड़ा अति पिछड़ा को देने का काम करेंगे। वही बीते शुक्रवार को एमआईएम बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने एबीपी न्यूज से बातचीत में एमवाई समीकरण को लेकर सवाल उठाए थे। कहा था कि आज कोई एमवाई समीकरण की बात नहीं करता है, कभी लालो यादव क्या करते थे मैं उनकी इज्जत करता हूं। अब तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी ए टू जेड की पार्टी है, और बात अगर नीतीश कुमार की करें तो नीतीश कुमार कब क्या बोल दे किसी को पता नहीं है। यह भी कहा था कि एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के चुनावी सभा में आने से प्रभाव जरूर पड़ेगा। इस खबर को लेकर आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बहरहाल मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक बने रहिए आप सस्ता मीडिया के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंच सके।